ठीक है। तो आर्टिकल 29 30 पढ़ लिया, उसके बाद आर्टिकल आता है 31। आर्टिकल जो 31 था, आर्टिकल 31 के अंदर क्या है कि संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देखिए, पुराने जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत देश का जब संविधान लागू हुआ था, उस समय संपत्ति का अधिकार था, यानी प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना भी चाहे वो धन अर्जन कर सकता है, संपत्ति कमा सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार में जो व्यक्ति गरीब था वो गरीब बन रहा था, जो अमीर थे वो पूंजीपति बन गए। जगह संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसे हटा दिया। ठीक है भाई, 44वें संविधान संशोधन 1978 जो कि 79 में लागू हुआ था, इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 44-31 में जो संपत्ति की जो अपने स्वतंत्रता थी, जो अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 31 उसके बाद आता आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 नंबर का हमारा आर्टिकल आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इन संवैधानिक उपचारों का अधिकार में
जिसके अंतर्गत पांच प्रकार की रीट जारी की गई है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार प्रच्छा, तीसरा है परमादेश, चौथा प्रतिषेध और पांचवी जो हमारी रीट है वो है उत्प्रेषणासार जिसे आप बोलते हो। तो एक प्रकार से अपने मूल जो अधिकार थे जो 12 से 35 तक थे उसमें 12 से 35 में अपने 32 तक तो पढ़ लिए। अब आता है आर्टिकल 33। इसके अंतर्गत इसमें है ना सेना के मूल अधिकारों से संबंधित है, सेना के मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, इसमें सेना में कौन सी चीज आ जाएगी? इनमें आ जाएगी भारतीय सेना, पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बल, जितने भी भारत सरकार की एजेंसी है जैसे रो, आईबी, आरपीएफ और विभिन्न राज्यों की पुलिस। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि सेना में कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए कोई नरेश नाम का व्यक्ति है वो सेना में, ठीक है। अभी नरेश नाम का व्यक्ति, इसके पास सारे मूल अधिकार है, आपको पता है कि जो भारत का नागरिक है उसको मूल अधिकार तो मिलेंगे। लेकिन मान के चलिए नरेश नाम का व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो गया या पैरामिलिट्री में या आरपीएफ में या किसी भी स्टेट की पुलिस में भर्ती हो गया, तो भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि वो सेना के मूल अधिकारों, जो सेना के जो मूल अधिकार है ना वो उनको देने से मना कर सकती है। जैसे सपोज करिए कि समानता का अधिकार था या कुछ भी था, बोलने का अधिकार, जैसे आर्टिकल 19 जो था उसमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन एक सेना का जो अगर जवाब होगा ना तो उसकी वहां पर बोलने की या कुछ जो स्वतंत्रता होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। अगर जैसे अपन कहते हैं कि सेना का आदमी, अगर सेना का जो कोई जवान है वो कहे कि मैं तो जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं करूंगा, मुझे तो राजस्थान में नौकरी करनी है, या राजस्थान वाला बोले कि मुझे तो अरुणाचल प्रदेश में करनी है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। और ये बात आप भी जानते हो कि जो व्यक्ति सेना में नौकरी करता है वो कहे कि मैं तो गोली नहीं चलाऊंगा, ये नहीं करूंगा, मैं तो किसी को मारूंगा नहीं, ये है वो है। तो ये जो है ना आर्टिकल 33 है इसमें क्या है कि सेना के मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी भारतीय जो संसद है वो इन
जो सेना है, पैरामिलिट्री है, रो है, आरपी है, एसएसपी है, सीआरपीएफ है, जो भी है, या राज्यों की जो पुलिस है वो भी, यानी स्टेट जो पुलिस होती है उसमें भी दखलंदाजी आती है, उसमें भी अपना कुछ कर सकती है। जैसे राजस्थान की पुलिस है, अब राजस्थान की पुलिस के कर्मचारी कहते हैं कि नहीं मुझे तो इतना जयपुर ड्यूटी नहीं करनी, मुझे तो हनुमानगढ़ में ड्यूटी करनी है, तो ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर उनके पूरे अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन ये बात आर्टिकल 33 में लिखी हुई है, और जब भी आप इनमें सेना में इनमें भर्ती होते हैं तो वो चीज़ें बायदा लिखवाई जाती है बाकायदा कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपके मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि आर्टिकल जो 33 है वो सेना के मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है भाई। और आर्टिकल जो 34 है, आर्टिकल जो 34 है वो है मार्शल लॉ से संबंधित, मार्शल लॉ से संबंधित, यानी मार्शल लॉ जो है वो आपातकाल का छोटा रूप है। आपातकाल तो लगेगा पूरे देश में, जबकि मार्शल लॉ लगता है पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में, यानी मार्शल लॉ और आपातकाल में क्या अंतर होगा कि आपातकाल जो होगा वो भारतीय संसद के द्वारा लगाया जाएगा और पूरे देश में एक साथ लगेगा, जबकि मार्शल लॉ जो होता है वो पर्टिकुलर कोई क्षेत्र में लगाया जाता है, जैसे कि कश्मीर में लगा दिया या राजस्थान में किसी क्षेत्र में लगा दिया और लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको पूरी जैसे मार्शल लॉ किस क्षेत्र में लग गया, और मार्शल लॉ जैसे किस क्षेत्र में लगेगा तो वहाँ का पूरा जो क्राइटेरिया है वो सेना के हाथ में चला जाएगा, और यह किसके हाथ में चला जाएगा कि वहाँ के जो स्टेट की जो पुलिस है पैरामिलिट्री उनके हाथ में। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुद्धिजीवी थे उनको ये पता था कि इतिहास साक्षी है इस बात का कि जिन जिन देशों में कभी भी तख्तापलट हुआ है वहाँ के जो, जैसे देखिए रूस जैसे देश की बात करते हैं जार का शासन के बाद वहाँ पर बहुत सारी क्रांति होती है, फ्रांस में क्रांति होती है, विश्व इतिहास में ले लो जो भारतीय इतिहास में ले लो, जब जब सेना ने हथियार उठा लिए ना तो उस सरकार का तख्तापलट हो गया, उस देश का सर्वनाश हो गया, क्योंकि सरकार जब तक सेना के हित में काम करेगी, सैनिकों के हित में काम करती है, तब तक सैनिक कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस दिन सैनिक ही अगुवाई कर देते हैं सरकार के खिलाफ तो उस देश में क्या हो जाता है, फिर एक तरह से राजतंत्र या सेना का शासन लागू हो जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात पर गहन अमल किया कि हो ना हो कल को अगर ऐसी बात हो जाए, क्योंकि तख्तापलट लगते देरी लगती है, और जब देश में सरकार गिरती है और सेना के माध्यम से जब सरकार गिराई जाती है, भारत में ऐसा खैर हुआ नहीं है लेकिन होगा, हो जाए कभी, तो ध्यान रखना उस देश का सर्वनाश हो जाता है, उस देश में फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि सेना यानी हमारे देश की जो सरकार चलाने वाले होते हैं उनको ये नहीं पता कि ट्रिकल कहाँ होता है, परमाणु बम कैसे चलता है और उसको डिफ्यूज कैसे किया जाता है, लेकिन हमारे जो आर्मी होती है उन सबको ये बात का पता होता है कि व्यक्ति के कान मारने पर मरता है, किस प्रकार से परमाणु बम को डिफ्यूज किया जाता है, किस प्रकार उसको शुरू किया जाता है, किस प्रकार उसको चलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो पूरा का पूरा जो असला होता है, पूरे के पूरे परमाणु बम जो नाभिकीय बम होते हैं वो सेना के अंडर में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे राफेल विमान भारत में आया तो वो सेना के पायलट चलाते हैं, आम आदमी उसे नहीं चला सकता। अब सपोज करिए कि जिस दिन सेना ही सरकार की अगुवाई करने लग जाए, सरकार के विरोध में हो जाए, तो वो राफेल पूरे भारत में तहस नहस कर देंगे, उनको उनके पास उनको चलाना आता है, वो कहीं भाग जाएंगे लेके, ठीक है ना, किसी भी देश के साथ समझौता कर लेंगे, किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सेना से संबंधित जो हमारे आर्टिकल 33, 34, 35 वो सिर्फ और सिर्फ सेना से संबंधित है, क्योंकि भारतीय इतिहास में और विश्व के इतिहास में ये चीज अच्छी तरह है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है कि जिन जिन देशों में तख्तापलट हुआ है, जिन जिन देशों का सर्वनाश हुआ है, जिन जिन देशों में सरकार के खिलाफ क्रांतियां हुई है उनमें सेना की प्रमुख भूमिका रही थी। हमारा छोटा सा देश है पड़ोसी पाकिस्तान, वहां पर आए दिन सेना अपने हाथ में ले लेती है शासन को, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति होता है उनको पद से निष्कासित कर दिया जाता है और वहां पर सेना अपना फिर दमखम दिखाती है, ठीक है ना। तो मार्शल लॉ से संबंधित जो कानून है वो क्या है कि यहाँ पर जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ के क्षेत्र में लग गया, मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर जैसी क्षेत्र है, मान के चलिए बारामूला है, और बारामूला के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो मार्शल लॉ के अंतर्गत यहाँ पर सब सारी की सारी पावर है वो किसके हाथ में चली जाएगी, सेना के हाथ में चली जाएगी। अब यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति अगर दखलंदाजी करता है तो सेना अपने प्रोटेक्शन में यहाँ पर गोली भी मार सकती है, उसकी हत्या कर सकती है, ठीक है। यानी देखिए सपोज करिए कि बारामूला के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था और यहाँ पर कोई आतंकवादी आया, चाहे भारत का ही कोई व्यक्ति आया, और आर्मी ने उसको
दिया, ठीक है, यानी कोई सैनिक था उसने उसको मारा, तब उस सैनिक की रक्षा कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। यानी उसने आदमी को तो मारा है, यानी उसने कृत्य तो किया है, किसका? आदमी को मारा है। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में इंसान को मारना या किसी व्यक्ति की हत्या करना क्या है? गैर कानूनी है। उसके ऊपर धारा 302 के तहत उस पर उसको फांसी भी हो सकती है, उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 34 ये कहता है कि इसमें सेना को विशेष अधिकार है, मातृभाषा से संबंधित तो सेना को विशेष अधिकार, सेना को विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। यानी मातृभाषा में कोई व्यक्ति आया और सेना ने उसे मार दिया, फिर सेना की जो रक्षा है या उस सैनिक की जो रक्षा है वो कौन करती है? फिर भाई सुप्रीम कोर्ट करती है, हमारा संविधान उसका बचाव करता है, उसको कुछ नहीं होता, बाकायदा उसको मेडल वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसने मार सल्ला से संबंधित। और ये कौन कहता है? आर्टिकल 35 कहता है, आर्टिकल 35, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल 35 है ना, आर्टिकल 35 इसमें जो कि हमारी संसद है, संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार है, संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का। यानी जैसे आपने देखा होगा कभी देश पर तो अधिनियम लागू होता है, कभी कुछ हमारी संसद अनेक प्रकार के नियम बनाती नहीं बनाती। अरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है और आज भारत में अनेकों प्रकार के कानून बनते हैं, अध्यादेश, अनेकों प्रकार के अध्यादेश आए दिन, जब मानसून सत्र चलता है, शीतकाल सत्र चलता है, जो भी सत्र चल रहे हैं और उसमें अनेकों प्रकार के अध्यादेश पारित होते हैं। तो ये अध्यादेश पारित करने की शक्ति भी आर्टिकल कौन से में दी गई है? 35 में दी गई। कौन से आर्टिकल में दी गई है? 35 में, ठीक है। आर्टिकल 35 में क्या दी गई है? संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें वो किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में और किसी भी अपने देश में किसी भी प्रकार का क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, और वो कानून फिर सभी के लिए क्या होगा? सर्वमान्य होगा, ठीक है। तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 33, 34 और 35 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए कई बार क्या होता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 33 है वो किससे संबंधित है? सेना के मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें कौन कौन सी सेना आ जाएगी? सेना, पैरामिलिट्री, रो, आईबी, ठीक है, सीआईडी, आरपीएफ, विभिन्न राज्यों की पुलिस, यानी विभिन्न राज्यों के पूरे के पूरे हमारे जो 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी की पुलिस के ऊपर ये लागू होगा, उनके अधिकारों से संबंधित है। यानी यहाँ पर उनके जो मूल अधिकार से संबंधित जो कुछ अधिकार है वो इनके क्या हो जाएंगे? हरण हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, वो यहाँ पर लागू नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 34 है वो मार्शल लॉ से संबंधित, मार्शल लॉ एज है, आपातकाल से संबंधित होता है, जिसकी व्याख्या 352 में की गई है, आर्टिकल 352 में, जिसमें सेना के विशेष अधिकारों की बात कही गई है। और आर्टिकल 35 जो संसद के विशेष कानून से संबंधित है, यानी संसद हमारे मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून पारित कर सकती है, उन कानूनों को फिर राज्य या जनता को मानना पड़ता है, ठीक है भाई। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से फिर आप लोगों को क्या होगा, यानी आर्टिकल मैंने आपको 12 से 35 सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको सारे मूल अधिकारों को याद हो जाएंगे, ठीक है। दो ट्रिक बता देता हूँ, इसमें आपको सारे के सारे ये मूल अधिकारों को याद हो जाएंगे। देखिए पहली जो ट्रिक है वो देखिए, मूल अधिकारों की ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। देखिए सम, सौ, शोध, सम, सौ, शोध शिक्षा संस्कृति पर किए जाते हैं, शिक्षा व संस्कृति पर किए जाते हैं, ये जाते हैं। दूसरी एक ट्रिक और ले लेता हूँ, ट्रिक और सेम ये कोई ज्यादा तक नहीं है, यानी समस्त शोध शिक्षा व संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, शिक्षा व संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, उपचार के लिए
जाते हैं। ठीक है भाई, ये दो ट्रिक है। देखिए कई बार क्या होता है इसमें, मैं आपको देखिए, ये है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में पांच अधिकार है, पांच आर्टिकल है, इसमें चार है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसमें दो है, इसमें फिर चार। ठीक है, पांच चौवन चौबीस चौबीस, देखिए चौपन चौबीस चौबीस, ये चीज समझो आप। देखिए ये सम सौ शोध शिक्षा व संस्कृति पर किए जाते हैं, तो यहाँ पर सम सम का अर्थ हो गया समानता का अधिकार, यहाँ पर क्या आएगा समानता का अधिकार। ठीक है, सौ का अर्थ होगा स्वतंत्रता का अधिकार, शोक में क्या आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पे क्या आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे क्या होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और पर का अर्थ होगा पर यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी छोटी छोटी कहेगी जो छोटी छोटी में क्या आ जाएगा आपकी चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सम का अर्थ समानता, आर्टिकल चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह में आपको क्या कर रहा है समान कर रहा है, क्या कर रहा है समान कर रहा है, समान रूप से आपके ऊपर चीज लागू हो जाएगी, सम यानी सैम समानता यानी सबको क्या कर रहा है समान कर रहा है, स्वतंत्रता यानी अब ये आप स्वतंत्रता में क्या कर रहा है आपको आजादी दे रहा है स्वतंत्र कर रहा है, सो में यानी शोषण यानी आपके शोषण को बचाएगा, दय में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और पर का अर्थ हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, एक तो ट्रिक इसकी ये है। ठीक है, दूसरी ट्रिक है इसकी कि समस्त शोध शिक्षा व संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, यानी समस्त में वही चीज सम समानता का अधिकार, यहाँ पर कौन सा जाएगा समानता का अधिकार, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक पहला अंतिम स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और उपचार में संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ज्यादा प्रयोग में जुड़ी कार्य नहीं है, एक बार ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है भाई, ढंग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो ये चीजें याद नहीं होगी, ध्यान रखना। बात ये डिग्री की नहीं है और नहीं ही अपने क्लास टीचर की बात कर रहे हैं, देखिए मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फायदेमंद का अर्थ ये कि अगर आपका एक दो क्वेश्चन भी सही होता है यहाँ से तो आपको बहुत आगे एक मार्जिन दिलाता है। ठीक है, तो और एक आर्टिकल 12 और 13 ये चीजें आपको अलग से याद करनी है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है, और ये आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, और मैंने वो अलग 35 34 और 35 सेना से संबंधित, यहाँ पे सेना आ जाएगी, यहाँ पे मार्शल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी भारतीय संसद। ये पांच अलग से हैं जो कि मूल अधिकारों में इनका नाम लिया जाता है और मूल अधिकारों से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये आपको अलग से याद कर लेना, मैंने उनकी आपको ट्रिक बता दी। ठीक है भाई, और आप लोगों का एक परम दायित्व बनता है कि आप लोग इनको पढ़िए, पढ़ने से आप लोगों का भला होगा और ये चीजें आप लोगों को कठस्थ याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये बनता है कि हम लोग पढ़े तो आज मूल अधिकार आपको पढ़ना है, अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, वो भी आपको मैं ट्रिक से पढ़ा लूंगा, जो नीति निर्देशक तत्व की छोटी सी ट्रिक है मेरी क्लास में पढ़ाई भी हुई है और फिर भी मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेंगे और फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डब्ल्यूएस से संबंधित, यानी ईएस जो वाला 12 के बारे में स्टडी वाला टॉपिक है उसके बारे में अपन ढंग से पढ़ लेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे उसको ताकि वो आपको याद हो जाए। मेरे हिसाब से मैं आपको सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बता देता हूँ साथ साथ में और पढ़ लेना, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और थोड़ा सा मन लगाकर घर पर पढ़ा करो ताकि आप लोगों का भला हो जाए और थोड़ा थोड़ा साथ में इसको कंपटीशन की आपके पास जो गाइड होती है उसमें भी देख लिया करो
और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी यहाँ पर दिक्कत आ रही है सर, तो मैं आपको उसका सुझाव बता दूंगा।